नमस्ते, बालाजी गिटारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग, जो होगी 7 से लेके 13 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज, लियो या सजिटेरियस हो यानी फायर साइन हो, तो हम देखेंगे आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। ये इसमें हम देखेंगे आपका हेल्थ, आपके फिनेंस, आपके जॉब, आपके लव लाइफ, आपके मैरिड लाइफ, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी देखेंगे ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं होगा, ये आप लोगों को पता है, और जनरल है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। फायर साइन वाले एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, पहले हम देखेंगे ये पूरे हफ्ते आपका कैसे जाने वाला है, पूरे हफ्ते का ओवरऑल एनर्जी क्या आता है। देख लेते हैं फायर साइन वालों का पूरे हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। फायर साइन वालों का पूरे हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। फायर साइन वालों की पूरे हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी, जस्टिस, दिस इज वेरी गुड, वेरी गुड कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड। आपको जस्टिस मिलने वाला है या फिर आपको किसी के साथ जस्टिस करना पड़ेगा। अगर आप कभी किसी के साथ इनजस्टिस किया है तो अभी आपको जस्टिस करना पड़ेगा, उनके साथ न्याय करना पड़ेगा, उनको माफ़ करना पड़ेगा। या फिर किसी ने अगर आपको आपके साथ इनजस्टिस किया था तो आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर आप किसी कोर्ट केस से बहुत दिनों से जूझ रहे हो, फायर साइन वाले एरीज, लियो, सजिटेरियस, तो आपका कोर्ट केस से आपको जीत होने की चांसेस है। लेकिन इसके पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपने किस बुनियाद पर जीत को सोच रहे हैं। अगर आपने सही किया है तो आपके साथ सही जरूर होगा, अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आपको पता है क्या होता है। ये जो हफ्ता है ये आपके लिए जस्टिस लेके आ रहा है। हो सकता है आपको किसी के साथ जस्टिस करनी पड़े या आपके साथ जस्टिस हो। ओवरऑल एनर्जी फायर साइन के एरीज, लियो, सजिटेरियस के जो लोग हैं उनके ओवरऑल एनर्जी जस्टिस का है। अभी देख लेते हैं आप लोगों का हेल्थ क्या कह रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी फायर साइन वालों के लिए हेल्थ कैसे जाने वाला है। फायर साइन वालों के लिए उनका हेल्थ कैसे जाने वाला है, फायर साइन वालों की हेल्थ कैसे जाने वाला है इस हफ्ते। ये इस हफ्ते आपका हेल्थ, फोर ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आपको स्पाइन से रिलेटेड कोई बीमारी, स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई बीमारी, आपको फैटी लीवर या फिर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, शुगर से रिलेटेड कोई बीमारी, ये सारी बीमारी जो आपका है, जो पहले से चले आ रहा है, उस बीमारी को आप बढ़ने मत दीजिए। क्योंकि ये हफ्ता आपको आपकी हेल्थ को लेके थोड़ा परेशान कर सकता है, और कभी कभी आपका मेंटल हेल्थ भी आपको परेशान कर सकता है। क्योंकि हो सकता है कोई पुरानी बातें, कुछ पुरानी जो जिस याद को हम याद रखना नहीं चाहते हैं, बुरी यादें आपको परेशान कर सकता है। इसीलिए अपना हेल्थ का ख्याल रखें, डॉक्टर से सलाह करें, और अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है जैसे मैंने कहा तो डाइटिशियन से बात करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। जो भी परेशानी आपके हेल्थ में आ रहा है इन दिनों, उसके लिए आपको उसी की जो एक्सपर्ट है उनके साथ बात करनी पड़ेगी, और मेंटल हेल्थ का ख्याल आपको खुद को रखना पड़ेगा। अब देख लेते हैं आपका ओवरऑल पूरे हफ्ते में फिनांस कैसे जाने वाला है, फिनांस का क्या हाल रहेगा। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, फायर साइन वाले, आपका फिनांस कैसे जाने वाला है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस का फिनांस क्या कह रहा है। आपका फाइनेंशियल स्टेटस
क्या कह रहा है, क्या कैसे रहने वाला है 7 से लेकर 13 तारीख तक। 9 ऑफ कप्स, खुश हो जाइए, आपका फिनेंस बहुत अच्छा रहेगा, स्टेबल फिनेंस रहेगा। फिनेंस को लेके आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, जहां आपका पैसा अटका था वहां से भी पैसा आएगा, आपका विश पूरा हो जाएगा। आपको अगर लग रहा था कि बहुत दिनों से मेरे इस जगह से पैसा नहीं आ रहा है, मुझे ये मिलना चाहिए, मतलब कोई बहुत ही अच्छी स्थिति अगर नहीं चल रहा था, अगर चल भी रहा था तो भी इस हफ्ते आपका फिनेंशियल स्टेटस बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जिससे आप परेशान नहीं रहोगे, आपका मेंटल स्टेटस जो है वो खुश रहेगा, फिनेंस को लेके आप परेशान नहीं रहोगे फायर साइन वाले। अभी देख लेते हैं फायर साइन में जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो लोग फायर साइन के हैं लेकिन वो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स मतलब वो छोटे बच्चे नहीं, एकदम जो स्कूल जाने वाले, जो स्टूडेंट्स मतलब जो जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जो सोच रहे हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स ही हुए, उनके लिए मैं कहूँगी कि देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेके आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए। एरीज लियो सजिटेरियस यानी फायर साइन वालों, फायर साइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, द मैजिशियन, दिस इज़ वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड। आप खुश हो जाइए, आपका मेहनत रंग ला रहा है, जो आप सोच रहे थे, जो इतने दिनों से आपने मेहनत किया कहीं एडमिशन लेने के बारे में, कहीं हायर स्टडीज़ करना, कहीं विदेश जाना, कहीं जॉब के लिए, जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब भी चाहते हैं, तो उनको अपने मन के मुताबिक चीज़ें मिलने वाला है, मिल सकता है। जो आपने किया है उसका परिणाम भगवान आपको दे रहा है, और आपकी जो विल पावर है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा पूरे हफ्ते। कोई कुछ भी कहे, बाय हुक एंड क्रूक आपको वो जो चाहिए वो आप लेके रहोगे, और आप अपने मेहनत को एकदम अपने आंखों के सामने देख पाओगे कि आपने कितना मेहनत किया है, उसका क्या परिणाम मिल रहा है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मतलब नेक जो स्थिति है इस हफ्ते में, जो स्टूडेंट्स हैं फायर साइन के, जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्थिति बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो वो चाहते हैं वो सब कुछ कर पाएंगे इन दिनों, उनका विल पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। अभी देख लेते हैं जो लोग जॉब करते हैं, एरीज लियो एंड सजिटेरियस के जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। एरीज लियो एंड सजिटेरियस के जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। एरीज लियो एंड सजिटेरियस के जो लोग जॉब कर रहे हैं, स्ट्रेंथ के कार्ड, देखो ये फायर साइन का ही कार्ड है, लियो का ही कार्ड है। लियो की रीडिंग मतलब, लियो मतलब फायर साइन, एरीज लियो सजिटेरियस की रीडिंग में अगर लियो का ही कार्ड आ जाता है तो क्या कहना आपको। आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ आपको बहुत अच्छी तरीके से खुद को डटे रखना है। हो सकता है आप कभी डगमगा गए, कोई परेशानी आ गया, कोई आपको डरा रहा है, कोई आपकी लेग पुलिंग कर रहा है, तो आपको अपनी हिम्मत बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे जीत है। जिस चीज़ से आप इतने दिनों से डर रहे थे उस चीज़ को अगर आप जीत सकते हो तो ही आप सिकंदर हो, मुकद्दर की सिकंदर। तो जब आप जिस भी जॉब में हो, जिस भी पोस्ट में हो, पैसे लियो हमेशा कुछ ऊंचे पोस्ट में रहते, तो आपको अपने पोस्ट में डटे रहना है। कुछ लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश ज़रूर करेंगे, आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र करेंगे, आपके बारे में कुछ कह सकता है, जिससे आपको परेशान नहीं होना है। आपको अपने काम अपने तरीके से अपने हिसाब से करना है, किसी की डर से नहीं, किसी की मतलब कोई आपको परेशान कर रहा है उससे डर के नहीं, आपको अपने तरीके से अपने काम को करना है और हिम्मत से डटे रहना है। अगर आप कभी कभी सोच रहे हो कि मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए, मुझे ये सूट नहीं कर रहा है, ये लोग मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन आप देखिएगा अंत में जीत आप ही की होगी। कोई कितना भी आपको परेशान करे, अगर आप सच्चे हो, अगर आप सही हो, अगर आप में जीतने की रुतबा है तो आप जीत के रहोगे। इसीलिए आपको अपनी हिम्मत बना के रखनी पड़ेगी। हो सकता है बहुत सारे दुश्मन आपके लेग पुलिंग कर रहा है, आपके पीठ पीछे कुछ बोल रहा है, बॉस से जाके शिकायत कर रहा है, आपके नुक्स निकाल रहे हैं आपके काम के,
तो कोई परवाह नहीं है, आप अपने काम अपने हिसाब से करते जाइएगा और खुद पर भरोसा रखिएगा कि आप ये कर सकते हो। कोई कुछ भी कहे, आप सही हो, आपका काम सही है, आपकी थॉट प्रोसेस सही है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। अभी देख लेते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस यानी फायर साइन के जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। फायर साइन के जो भी बिजनेस करते हैं उनके लिए सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, ये भी देखो ये भी फायर साइन का ही कार्ड है, एरीज लियो सेजिटेरियस का ही कार्ड है। आपको मेहनत जारी रखनी पड़ेगी, जितना मेहनत आप कर रहे थे अपने बिजनेस में उससे ज़्यादा मेहनत आपको इन दिनों करनी पड़ेगी अपनी स्टेबिलिटी के लिए। हो सकता है आप मेहनत करते हो, मेहनत करने वालों में से हो, आप अपने लिए अपने काम के लिए डिवोटेड हो, लेकिन फिर भी हो सकता है इस हफ्ते आपको दुगनी मेहनत करनी पड़े, क्योंकि जितना मेहनत आप करोगे उसका उतना ही अच्छा परिणाम आपको मिलेगा इस हफ्ते। क्योंकि पहले ही ओवरऑल एनर्जी में जस्टिस का कार्ड आया था, तो आपका जो मेहनत है ये रंग लाने वाला है और आपको अपनी मेहनत जारी रखनी पड़ेगी। अभी देख लेते हैं जो लोग फायर साइन के जो भी लोग मैरिड हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, उनके लाइफ कैसे जाने वाले हैं इस हफ्ते। फायर साइन के जो मैरिड लोग हैं उनके लिए यह हफ्ता क्या रंग लेके आ रहा है, फायर साइन के जो मैरिड लोग हैं उनके लिए यह हफ्ता क्या लेके आ रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी। अगर आप लोग एक साथ मैरिड तो हो लेकिन बातचीत बंद है, या फिर सेपरेशन में हो, या कोई परेशानी है, या कोई परेशानी नहीं भी है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अपने लाइफ को जीने के लिए क्लैरिटी मिलेगी। अगर झगड़ा हुआ था, कोई परेशानी चल रहा था, एक दूसरे से अच्छी तरीके से बात नहीं कर पा रहे थे, तो आपकी लाइफ में समस्या का समाधान जिसे बोलते हैं वो मिलने वाला है, क्लैरिटी आने वाली है। आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आ सकते हो, मतलब भगवान से प्रेयर करके या फिर अपनी गलती मान के एक दूसरे के करीब आ सकते हो। अगर झगड़ा हुआ था, अगर नहीं हुआ था तो भी आपके लाइफ में एक क्लैरिटी आएगी। जैसे बहुत दिनों से आप लोग समझ नहीं पा रहे थे कि रिश्ते कैसे चल रहे हैं, रिश्ते में प्यार कम क्यों होता जा रहा है, ये परेशानी क्यों आ रहा है, ये समझ आपको आ जाएगा कि आपको अपनी मैरिड लाइफ को चलाना कैसा है। और अगर पहले से चले आ रहा था रिश्ता, उसमें अगर कोई परेशानी आ रहा था तो वो परेशानी भी ख़त्म होगी। जैसे बहुत बारिश के बाद जैसे जो आकाश जब क्लियर हो जाता है, तो अगर बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा था, एक ही घर में हो लेकिन लड़ाई झगड़ा हो रहा था, परेशानी चल रहा था, तो उस परेशानी से आप लोगों को निजात मिलने की चांसेस है। अपनी रिश्ते में क्लैरिटी मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। कोई एक नया कुछ होने वाला है रिश्ते में, नई शुरुआत होने वाली है जो पहले नहीं हुआ था। हो सकता है ये परेशानी ख़त्म हो जाए, कुछ परेशानी अगर चल रहा था, अगर नहीं चल रहा है तो कुछ ऐसा दोनों मिलके कुछ नया करने की कोशिश आप लोग करोगे। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं, गाइडेंस, यूनिवर्स जी का गाइडेंस क्या कह रहा है देख लेते हैं। यूनिवर्स जी का गाइडेंस क्या कह रहा है देख लेते हैं। यूनिवर्स जी आपका गाइडेंस, द एम्परर, ये भी देखो फायर साइन का ही कार्ड है, मेष राशि का। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि आपको अपना पोजीशन पोस्ट होल्ड करके रखना है। जो भी जिस भी पोस्ट पे हो, जिस भी पोजीशन पे हो, उसका ख्याल रखना है। और कोई भी निर्णय अगर लेते हो तो समझदारी से आप लेने वाले हो, लेते हो, लेकिन फिर भी हमेशा ऐसा नहीं कि अपने जो सोच है वो दूसरों के ऊपर आप थोप दोगे, ऐसा मत कीजिए। कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हो तो दूसरों के बारे में भी थोड़ा सोचिए, और अपने रुतबे को अगर आप सही रखना चाहते हो तो मेहनत जारी रखिए
और अपने पोजीशन को जो आपने हासिल किया है वो तो यूं ही नहीं किया है, तो उसको बरकरार रखने के लिए जो मेहनत ज़रूरी है वो आपको करनी पड़ेगी, सही डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपको किसी चीज़ को लेके डिसीजन लेना पड़े, चाहे वो रिश्ता हो, जॉब हो, बिजनेस हो, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में जस्टिस का कार्ड आया है, तो वो जो डिसीजन आपको लेना है उसमें हो सकता है आपको अभी के लिए कोई हर्ष डिसीजन लेना पड़े जो आपको अभी परेशान करे, बेचैन करे, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होगा कि ये मतलब आगे के लिए ये अच्छा ही होगा। इस बात को सोच के आपको कोई भी डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अच्छा बुरा हर वक्त हर चीज़ का जो नॉलेज है ये आपके पास है। आप कुछ भी करते हो हमेशा एक कम्युनिटी के बारे में सोच के करते हो, तो उस तरीके से आप डिसीजन लीजिएगा और अपने रुतबे का भी ख्याल रखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।